तो दोस्तों फाइनली आज का ये वीडियो होने वाला है Redmi Note 10 Pro के ऊपर। और ये स्मार्टफोन को लेकर अभी मार्केट में काफी हाइप क्रिएट हो चुका है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि Redmi के जो नोट सीरीज के स्मार्टफोन होते हैं वो हमें काफी बड़े स्पेक के साथ देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे भाई सभी स्मार्टफोन बढ़िया होते हैं, लेकिन भाई और स्मार्टफोन कंपनी स्पेक के अकॉर्डिंग कस्टमर से काफी ज्यादा जो है चार्जेस करती है, और इसी वजह से Xiaomi स्मार्टफोन कंपनी अदर स्मार्टफोन कंपनी से काफ़ी अलग हो जाता है। क्योंकि Xiaomi एक पहला ऐसा ब्रांड था जो कि कस्टमर को कम प्राइसिंग के अंदर ही काफ़ी बड़े स्पेक जो है प्रोवाइड कराता है। और अब Xiaomi अपना Redmi Note 10 Pro लॉन्च करने वाला है, जो कि आपको फरवरी महीने में देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस आपको 14 से 15 हज़ार की प्राइसिंग में ही मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी 15 हज़ार की प्राइसिंग में एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप लोग अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि इस फोन में आपको प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफी बड़े स्पेक जो है देखने को मिलेंगे, जो कि इस फोन को एक बेस्ट स्मार्टफोन बनाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं Redmi Note 10 Pro के बारे में, और साथ ही बात करेंगे इस फोन में आपको क्या क्या स्पेक देखने को मिलेंगे, इस फोन की प्राइसिंग क्या रहने वाली है, और ये स्मार्टफोन कब तक इंडिया में लॉन्च होगा, सभी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। तो इस फोन के अंदर जो है ऑफिशियल कन्फर्म हो चुका है कि इस फोन में आपको 4820 mAh का बैटरी मिलने वाला है, जो कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा, जो कि आपकी बैटरी को काफ़ी जल्दी चार्ज कर देगा। तो बैटरी इस फोन में आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है फास्ट चार्जिंग के साथ। बात करते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में। तो इस फोन के अंदर जो है आपको क्वाड रियर कैमरा मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी सेंसर आपको 108 MP का देखने को मिलेगा, जो कि Xiaomi ने कंफर्म कर दिया है। और साथ ही में आपको 3 सेंसर और देखने को मिलेंगे बैक साइड में। बात करते हैं सेल्फी के बारे में। तो सेल्फी में आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इस फोन में कैमरा जो है काफी बढ़िया रहने वाला है। अगर आप एक कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस फोन का जरूर से वेट करिए। बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 765G का जो है ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि दोस्तों 2.4 GHz पर क्लॉक है। तो आपका ये प्रोसेसर काफी बढ़िया रहने वाला है। तो यार नो डाउट इस फोन में आपको एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके डिवाइस को बहुत ही फास्ट बना देता है। तो आपको कोई भी लैगिंग हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस डिस्प्ले के अंदर आपको 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, जो कि काफी बढ़िया बात रहने वाली है। और बात करते हैं डिस्प्ले के साइज के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, जो कि इस फोन का थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बाकी इस फोन में आपको सभी स्पेक काफी बड़े देखने को मिल जाते हैं। फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस फोन की प्राइसिंग के बारे में, जिसका आप सभी को काफी इंतजार है। तो इस फोन की प्राइसिंग आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इस फोन की प्राइसिंग आपको 15 से 20 हज़ार के बजट में ही देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ये स्मार्टफोन आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगा डेफिनेटली। बाकी कोई भी अपडेट इस फोन के बारे में आता है तो मैं आपको तुरंत से अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यही था Redmi Note 10 Pro के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। दोस्तों आई होप वीडियो को पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।